कांग्रेस अजीब तरह के संकट में है। एक तरफ पार्टी में राहुल के बाद कौन की खोज जारी है या फिर इंतजार जारी है और दूसरी तरफ चुनाव के नतीजों पर मंथन। चुनाव हारने वाला हर कांग्रेसी नेता अपने अपने हिसाब से मंथन करने में जुटा है। वीरप्पा मोइली हार के लिए देवेगौड़ा से गठबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं तो सलमान खुर्शीद कुछ और। सलमान खुर्शीद को लगता है कि चुनाव में मोदी की ऐसी सुनामी आई जिसमें उनके सहित पूरी पार्टी बह गई, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। राहुल ही नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में मोदी के हाथों बुरी तरह से हारे। महाराष्ट्र से बिहार तक, कर्नाटक से असम तक, हर कहीं कांग्रेस के लिए हार और सिर्फ हार की कहानी ही लिखी गई। सलमान खुर्शीद को फरुखाबाद में महज 55,000 के करीब वोट मिले और बीजेपी ये सीट तकरीबन 6,00,000 वोट के अंतर से जीत गई। लेकिन हार के इस मंथन कार्यक्रम में राहुल गांधी कहीं भी नहीं है, वो बस अपने इस्तीफे पे अड़े हुए हैं। अब पता नहीं कांग्रेस को नया अध्यक्ष कब मिलेगा और कांग्रेस फिर से कुछ बेहतर कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।